नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं दिव्या, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल मना रहा पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती, श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया याद। बस किराया बढ़ने के साथ ही कोरोना के बढ़ गए मामले, निजी ऑपरेटरों ने बंद किए कई रूट। सुंदरनगर में खाई में गिरी गाड़ी, दोते के साथ सवार जल शक्ति कर्मी घायल। हिमाचल में अब शराब की हर बोतल पर लगेगा 1.5 रुपए सेस, 7 जिलों में स्थापित होंगे गौ अभ्यारण। अंग्रेजों के जमाने में बनी इमारतों की तर्ज पर काष्ठकुणी शैली से बनेगा IIM परिसर। इम्यूनिटी बूस्टर सिबकथॉर्न के लिए चीन का विकल्प बनेगा हिमाचल। हनुमानगढ़ी में हुई पवित्र निशान की पूजा, नहीं निकलेगी यात्रा। देश में पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले आए सामने, 803 लोगों की मौत। मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, लोकल ठप, दफ्तरों को बंद रखने के आदेश। श्रीनगर में हिंसा की आशंका को देखते हुए आज से 2 दिन का कर्फ्यू, सड़क और बाजार सील। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश आज प्रदेश निर्माता और अपने पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक धनीराम शांडिल, विनय, आशीष बुटेल, राकेश सिंघा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने रिज पर उनकी प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी तरह का एक कार्यक्रम विधानसभा परिसर में भी आयोजित किया गया। इसके बाद राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में भी आयोजित कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीणों किसानों को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। हिमाचल में बस किराया बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामले बढ़ गए, जिससे निजी बस ऑपरेटरों के हाथ खड़े हो गए हैं। इसके चलते आज से निजी बस ऑपरेटरों ने कई रूट पर बसों का संचालन बंद कर दिया है। अब निजी बस ऑपरेटर 7 तारीख को सीएम जयराम ठाकुर से ढलियारा में मिलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि अब टैक्स में छूट ही एकमात्र रास्ता बचा है, अन्यथा बसें चलाना मुश्किल है। निजी ऑपरेटर राखी तक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राखी जैसे त्योहार पर भी बसें खर्चा नहीं निकाल पाई, इसलिए निजी बस ऑपरेटरों ने कुछ एक रूट पर बसें चलानी आज से बंद कर दी हैं। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पराशर राजू का कहना है कि एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कुछ रूट पर बसों का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेब से पैसे डालकर बसें नहीं चलाई जा सकती। मंडी जिला में उपमंडल सुंदरनगर के जयदेवी के समीप एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बीती देर रात सुंदरनगर से आ रही एक टाटा सुमो जयदेवी गुरुद्वारा के बीच अनियंत्रित होकर लगभग 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। जोरदार आवाज होने पर स्थानीय निवासी अरुण शर्मा और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को गहरी खाई से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर भेज दिया गया। हादसे में घायलों की पहचान भलाणा धार निवासी प्रेमलाल और उसके दोहते के तौर पर हुई है। प्रेमलाल जयदेवी में ही बतौर जल शक्ति विभाग में फिटर के तौर पर तैनात है। चालक को सिर, बाजू और पांव में गंभीर चोटें और उसके दोहते को बाजू और पसलियों में चोट आई है। बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और गौ सदनों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार शराब की हर बोतल पर अब 1.5 रुपए उपकर यानी सेस लेगी। हालांकि इससे शराब महंगी नहीं होगी, सरकार पहले ही गौ संरक्षण के लिए 1 रुपया सेस ले रही है। अब फिल्म पॉलिसी के तहत शराब की प्रति बोतल पर लिए जा रहे 50 पैसे भी गौ संरक्षण पर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा 7 जिलों में गौ सेंचुरी स्थापित कर जल्द क्रियाशील बनाई जाएगी। कृषि विभाग इन गौ सेंचुरियों से गाय का गोबर खरीदेगा और किसानों को केंचुआ खाद के रूप में बेचेगा। सेंचुरी क्षेत्रों में चारे के पेड़ लगाए जाएंगे ताकि गायों को हरा चारा मिल सके। सरकार साल में 2 बार मवेशियों का मुफ्त टीकाकरण भी करेगी। शिमला में पशुपालन विभाग की गौ सदन, गौशाला और गौ अभ्यारण योजना को सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 2 के शुभारंभ पर सीएम जयराम ठाकुर के सामने सेस को प्रति बोतल 10 रुपए तक बढ़ाने की मांग उठी। सीएम ने कहा कि ये ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ 50 पैसे सेस ही बढ़ाया जाएगा।
धौलाकुआं में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परिसर हिमाचल की प्रसिद्ध काष्ठकुणी शैली में बनाया जाएगा। ब्रिटिश काल में बनी इमारत की तर्ज पर परिसर का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में हॉस्टल सहित अध्ययन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें 600 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता होगी। मेडिकल यूनिट अलग से होगी जिसमें विद्यार्थियों के इलाज की सुविधा होगी। हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की जयंती पर 4 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसकी ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने IIM के पहले चरण को 352.51 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। नाहन पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर धौलाकुआं में IIM के लिए लगभग 210 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। IIM परिसर देश में बने अन्य IIM से अलग होगा। इसे हिमाचली रंग देने का प्रयास किया गया है। भवनों के निर्माण में हिमाचल की काष्ठकुणी शैली का रूप दिया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव के बीच चीन से 2300 टन सीबक थ्रॉन यानी छर्मा का आयात बंद हो गया है। इससे देश में 120 वस्तुओं के उत्पादन पर संकट खड़ा हो गया है। इनमें इम्यूनिटी बूस्टर, च्यवनप्राश, चाय, जूस और जैम जैसे उत्पाद शामिल हैं। कच्चा माल न मिलने से परेशान हरियाणा के फरीदाबाद की कंपनी बोयोसॉश बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर जनजातीय जिलों में करीब 2000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सीबक थॉर्न लगाकर देश में इसकी कमी को पूरा करने का आग्रह किया है। कंपनी के निदेशक अर्जुन खन्ना की ओर से सीएम के नाम लिखे पत्र में कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में देश में करीब 3000 टन सीबक थॉर्न की जरूरत है, जबकि देश में मात्र 700 टन उपलब्ध है। वर्ष 2025 में देश में 5000 टन सीबक थॉर्न की जरूरत होगी। कंपनी की ओर से लाहौल स्पीति सीबक थॉर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष BS परशीरा को भी ये पत्र भेजा गया है। राम जन्म भूमि पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन तो बुधवार को होगा, लेकिन ये खुशी अयोध्या के साथ साथ देश भर में मंगलवार से छा गई है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन शुरू हो गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये 700 साल पुराना निशान है। निशान पूजन के बाद इसे शहर में घुमाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस बार शहर में निशान भ्रमण यात्रा नहीं निकाली जाएगी। नाका हनुमानगढ़ी को देसी घी के दीपों से सुसज्जित करने की तैयारी है, तो एक आध्यात्मिक संस्था की ओर से अयोध्या के सभी शिवालयों और सरयू तट को देसी घी के दीपों से आच्छादित करने की तैयारी की गई है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से भूमि पूजन के अवसर पर 4 व 5 अगस्त को पूजन अनुष्ठान और शाम को दीपोत्सव का आह्वान किया है। इस आह्वान को अयोध्या ने शिद्दत से शिरोधार्य किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले सामने आए हैं और 803 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 18,55,746 हो गई है, जिनमें से 5,86,298 सक्रिय मामले हैं, 12,30,510 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक
38,938 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में सोमवार रात 8 बजे तक कोरोना पॉजिटिव के 1,286 नए मामले सामने आए, 1,066 मरीज ठीक हुए हैं और 12 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 68,946 हो गई है, जिसमें से 49,675 लोग ठीक हो चुके हैं, 18,708 सक्रिय हैं और अब तक 563 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सोमवार रात से ही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से सोमवार को बारिश हुई और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शहर के लोगों को अगले 2 दिनों तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए मंगलवार और बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जलभराव और यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई है। IMD ने रत्नागिरी के लिए मंगलवार और पालघर के लिए बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट काला दिवस मनाने और हिंसक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले सोमवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरी कश्मीर घाटी में 5 अगस्त तक के लिए फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद चौधरी के अनुसार पुलिस के पास इस बात की जानकारी है कि अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट इन प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा भी फैला सकते हैं, इसलिए श्रीनगर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।